श्री पिताश्री पिताश्री मुझे नहीं पहचाना पिताश्री, मैं आपका पुत्र पुत्र राम। हाँ पिताश्री, पुत्र राम मेरा पुत्र। ओ पिताश्री, ओ पुत्र राम पिताश्री मेरा राम। राम मेरा राम। किंतु पिताश्री, अब मेरे गुरुदेव महादेव ने मेरा नाम परशुराम कर दिया है। परशुराम, क्या हुआ पिताश्री? मेरे लौटने से आपको प्रसन्नता नहीं हुई क्या? प्रसन्नता तो अवश्य हुई है पुत्र, किंतु इस बात का विश्वास नहीं है कि प्रसन्नता कितने क्षण और जीवित रहेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताश्री? तो क्या कहूं, मेरे चारों पुत्रों ने मेरे आदेश का तिरस्कार किया है, तो मैं पांचों से क्या अपेक्षा करूं और क्यों करूं? मेरे अग्रजों ने आपका तिरस्कार किया? क्या किया उन्होंने पिताश्री? मैंने उन्हें कुछ करने का आदेश दिया था, परंतु उन्होंने नहीं माना। जीवन में पहली बार पुत्र, पहली बार मुझे ऐसे अनादर का अनुभव हुआ है। मुझे तो अपने आप में लज्जा आ रही है। पिताश्री, मुझे खेद है कि मेरे अग्रजों ने आपको दुख पहुंचाया, परंतु अब तो मैं आ गया हूं। आप मुझसे कहिए, मुझे आदेश दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आपका आदेश तो भगवान का आदेश है, पितृदेवो भव। और यदि तुमने भी मेरे आदेश से असहमति प्रकट की तो? पिताश्री, मैं असहमति क्यों प्रकट करूंगा? आप आदेश देकर तो देखिए, मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। मुझे वचन देते हो पुत्र? पिताश्री, वैसे वचन की कोई आवश्यकता है तो नहीं, किंतु यदि मेरे वचन से आपकी सांत्वना होती है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी आदेश देंगे, मैं बिना कोई प्रश्न पूछे आपके आदेश का पूर्णतया पालन करूंगा। चिरंजीवी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। आज तुमने मुझे वो प्रसन्नता दी है जो किसी भी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दी होगी। किंतु अब तो बता दीजिए पिताश्री कि आपका आदेश है क्या? आश्रम चलो पुत्र, वहां तुम्हें सब कुछ बता दूंगा मैं। नवयुवक कौन है? Thank you.
इतने समय उपरांत उन चरणों को छू रहा हूं जो एक पुत्र के लिए स्वर्ग समान होते हैं। हे माता, अपने पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता, हाँ माता, राम, राम तुम आ गए पुत्र। हाँ माता, मेरे लाल। हे माते, इसी क्षण के लिए तो मैं जी रही थी पुत्र। माता, हे माते, स्वामी मुझे क्षमा कर दीजिए। स्वामी मुझे क्षमा। स्वामी पुत्र, कहीं भावना की धारा में तुम बह तो नहीं गए ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? तो काट दो अपनी माता का सर। आज्ञा का पालन करने में इतना विलंब क्यों? काट दो अपनी माता का सर। चंबो परशु, तुझे मैं अपने गुरु शिव शंकर का दिया हुआ वरदान समझूं या अपने दुर्भाग्य का प्रतीक? तुझे मैंने पाया था मानवता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए। तुझे मैंने पाया था अपने माता पिता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए। तेरा प्रथम प्रहार होगा उस माता पर जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिसकी गोद में मैंने अपने जीवन का प्रारंभ किया, जिसके प्रेम के ऋण से मेरा रोम रोम बिंधा हुआ है, जिसका प्रेम मेरे जीवन की महानतम पूंजी है, जिसके चरण स्पर्श करने के लिए मैं वर्षों से तड़प रहा था। गुरुदेव, हे शिव शंकर, हे समस्त देवी देवताओं, हे समस्त ऋषिगण, आप सब साक्षी रहना कि मैं केवल अपना वचन निभा रहा हूं, केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं।
हे माता, अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना माता। मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा, और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा माते। क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा, क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा। जुग जुग जियो पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। तुमने आज्ञाकारिता का इतिहास रचा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। इस आज्ञाकारिता के पुरस्कार के रूप में आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी मांग लो पुत्र, जो चाहे मांग लो। मैं आज तुम्हें हर वो वस्तु दूंगा जिसका देना मेरे वश में है। मांग लो पुत्र, मांग लो। सत्य कह रहे हैं पिताश्री? क्या मैंने जीवन में कभी असत्य कहा है पुत्र? क्या चाहते हो तुम? अपनी प्रिय माता का जीवित शरीर। क्या क्या कहा तुमने? मुझे मेरी जीती जागती माता दे दीजिए। वो माता जिसके बिना इस जीवन का हर पल मेरे लिए नरक समान है। पिताश्री, मुझे अपनी माता के जीवन के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। अब चुप क्यों है पिताश्री? मैंने आपको आदेश पालन का वचन देने में एक क्षण का भी संकोच नहीं किया था। आप अपना वर देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं संकोच नहीं कर रहा हूं पुत्र, पर तो सत्य तो यही है कि मैं इस वरदान के लिए तैयार नहीं था। मुझे समझने में देर लग रही थी पुत्र। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और मुझे यह भी नहीं पूछा कि आज्ञा क्या है, तो फिर मुझे भी यह पूछने का अधिकार नहीं था कि वर का वचन देने से पहले ये पूछ सकता कि तुम क्या मांगोगे। मैं वचनबद्ध हो चुका हूं पुत्र, और तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार से वंचित नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। चल लाओ पिताश्री, जल्द।
माते। Oh,